महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और ये बड़ा स्टेट है। यहाँ पे 48 सीटें हैं और इसमें भाजपा का शिवसेना के साथ में गठबंधन हुआ है, इसलिए इस स्टेट में ये भाजपा जो अच्छा कर सकती है। और यहाँ पे 48 से 24 सीटें तक इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यही एक स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सीटें इनको दे रहा है और 18 से 24 तक सीटें जो यूपीए गठबंधन है जिनके साथ में कांग्रेस के साथ में शरद पवार का जो पार्टी एनसीपी है उसका गठबंधन हुआ है, तो इनको भी जाती हुई दिख रही हैं। और 2 से लेकर 12 तक जो है आदर्श के लिए भी जाती हुई दिख रही हैं। मेघालय आप देखेंगे तो ये 2 सीटें हैं सिर्फ, इसमें क्षेत्रीय पार्टी को एक जा सकती है, एक गठबंधन के लिए जा सकती है भाजपा के। मिजोरम में 1 सीट है, 1 सीट या तो मिजो नेशनल फ्रंट को जाएगी या इसमें एनडीए के गठबंधन में भी चली जाएगी। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 आदर्श में जा सकती है और 1 जो है एनडीए गठबंधन को जा सकती है। नागालैंड में 1 सीट है तो 1 सीट गठबंधन को जा सकती है, ऐसी संभावना लग रही है और क्षेत्रीय पार्टी को भी जा सकती है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर जो है जो पटनायक जी की पार्टी है और काफ़ी दिनों से जो बीजू जनता दल है वो यहाँ पे बाजी मारता आ रहा है और इस बार यहाँ पर इलेक्शन हो गया है। विधानसभा का भी इलेक्शन था और लोकसभा का इलेक्शन साथ साथ होता है, तो यहाँ 21 सीटों में से 1 से लेकर के 3 सीटें तक एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और 1 सीट जो है यूपीए के खाते में जा सकती है, लेकिन 17 से 19 तक सीटें जो है ये बीजू जनता दल के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। पंजाब को देखें तो पंजाब में अकाली दल का प्रभाव है, कांग्रेस का प्रभाव है और उधर आप पार्टी का भी है और बीएसपी का भी इधर प्रभाव है, तो इस तरह से देखेंगे 13 में से 1 सीट जो है एनडीए के या बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। 7 से 9 सीटें यहाँ पर आपको पता होगा कांग्रेस की सरकार है और 7 से लेकर 9 सीटें तक कांग्रेस के गठबंधन में जाती हुई दिख रही हैं और 3 से लेकर के 6 सीटें तक आदर्श के खाते में भी जाती हुई दिख रही हैं। आप राजस्थान के बारे में आते हैं तो राजस्थान में 25 सीटें हैं और अभी देखा होगा कि आपने ताज़ा विधानसभा का इलेक्शन हुआ है और विधानसभा में यहाँ पे बीजेपी की सरकार को हटा करके यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है और कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन में वहाँ से शामिल है उसमें वो बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ के गठबंधन में शामिल है। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें खास तौर से 2 मोर्चों पर ये इलेक्शन है, भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में, तो इस तरह से यहाँ पे 7 से 12 तक सीटें 25 में से ये भाजपा गठबंधन में जाती हुई दिख रही हैं और 10 से 13 तक कांग्रेस गठबंधन में जाती हुई दिख रही हैं और 2 से 8 तक सीटें निर्दलीय और आदर्श को भी मिल सकती हैं। अब हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 1 सीट है, सिक्किम की जो लोकल पार्टी है उसको ही हमेशा जाती है, उसको ही जाती हुई दिख रही है। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, तमिलनाडु बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, ये दोनों सहारे से लड़ते हैं, कभी अन्ना डीएमके और कभी डीएमके। अभी आपने देखा होगा कि अन्ना डीएमके की जो मुखिया थी उनका भी निधन हुआ जयललिता जी का, और हमारे जो करुणानिधि हैं जो उसके अन्ना डीएमके के जो मुखिया थे उनका भी निधन हो गया है। अब दोनों के बारिश जो है उधर संभाल रहे हैं और अन्ना डीएमके में बड़ी टूट हुई है, 2-2, 3-3 ग्रुप उधर खड़े हो गए हैं और दूसरी भी क्षेत्रीय पार्टियां भी उधर उभरी हुई हैं, तो इस समय ऐसे मौके में बीजेपी ने भी अन्ना डीएमके के साथ में और कांग्रेस ने डीएमके के साथ में उधर गठबंधन करने की कोशिश की है कि 2-1 सीटें मिल जाएँ, लेकिन 39 सीटों में से आपको 3 से 4 सीटें तक एनडीए गठबंधन को और 20 से 25 तक ये जो क्या नाम है जो करुणानिधि की पार्टी है उसके लिए इस बार लग रहा है कि उसकी सीटें ज़्यादा आएंगी 20 से 25 तक, और इसमें कांग्रेस भी शामिल है और तीसरा जो थर्ड है जो दूसरी अन्य पार्टियां और निर्दलीय वगैरह हैं ये भी 10 से लेकर 16 तक ये भी कर सकते हैं, तो 3 जगह जाता हुआ अब की बार दिख रहा है यहाँ पर। तेलंगाना का अगर हम बात करें तो तेलंगाना आपने देखा होगा कि तेलंगाना जो कि उसकी अपनी क्षेत्रीय पार्टी है केसी राव की, तो उनके लिए अभी विधानसभा में भारी बहुमत मिला पूरे बहुमत के साथ में और नया नया ये आंध्र प्रदेश से कट करके राज्य बना है और 17 सीटों में से ये अभी भी उनके लिए तेलंगाना पार्टी के लिए ही राष्ट्र तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के लिए ही 17 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, 17 की 17 इस पर यह स्वीप कर सकती है पार्टी।
इसी तरह से त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में दो पार्टी हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वामपंथियों की पहले सरकार थी, उस सरकार से बीजेपी ने बाजी मारी, तो अभी एक एक सीट जो है एनडीए गठबंधन को और एक सीट जो है यूपीए गठबंधन को बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आते हैं हम यूपी पे। उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है जो 11 राज्यों के बराबर बैठता है। इसमें 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें जो है ये फैसला करती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें लेता है वही इस बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी उम्मीद मतलब लगाई जा रही है। तो यहाँ का जो गठबंधन है ये बड़ा प्रभावी गठबंधन है, जो बहुजन समाज पार्टी और आपका ये जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल को आप जानते हैं कि मतलब जो चौधरी अजीत सिंह की जो पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी विरासत वाली पार्टी है, उसमें ज़्यादातर जो जाट समाज के लोग हैं उसको वोट करते हैं, आधार है उसमें। इसी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें पूरे बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग बड़ी संख्या में वोट करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए भी लगभग यही लोग एससी एसटी ओबीसी के बड़ी संख्या में उसमें वोट करते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अकेले यादव की जो जनसंख्या है वो 10% के करीब है उत्तर प्रदेश में, और 5% जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें ये जाट बिरादरी के वोटर हैं और जो 12 सीटों को प्रभावित करते हैं जिनका इलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और आपका ये जो पूर्वांचल है सेंटर यूपी है और उत्तरा ये बुंदेलखंड है, इसमें यादव और एससी बहुत बड़ी संख्या में और उसके साथ में मुस्लिम समाज की भी यहाँ पे काफ़ी संख्या है। तो ऐसा आपको पता है कि अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था एंड 18 न्यूज 18 पर जो अमिताभ अग्निहोत्री की, तो उनके साथ डिबेट में वो भी बता रहे थे कि जब जब इलेक्शन हुआ 93 के बाद में सपा बसपा का अगर वोट दोनों का देखेंगे तो 44% से नीचे कभी भी नहीं गया है। तो 44% से नीचे जब कभी भी नहीं गया है तो अब 44% से नीचे तो दो ही पार्टियों का नहीं जाएगा, उसमें मतलब जो लोकदल को अगर और जोड़ दें उसका 5% वोट तो ये 50 के आसपास पहुंच जाता है, 48.9 के करीब हमने जो प्रोजेक्शन किया है उसमें उनका वोट जा रहा है। तो किसी भी सीट पर ये जो गठबंधन है भाजपा का गठबंधन वो वैसे ही नहीं जीत पा रहा है, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद में उन्होंने उसमें सेंध लगाने की भी कोशिश की है। तो कांग्रेस जो भी वोट काटेगा तो वो भाजपा का ही वोट काटेगा, अगर उन्होंने 15% वोट ले लिया कांग्रेस ने, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है एनडीए का भाजपा के नेतृत्व में वो 5 सीटों से ज़्यादा जीतना उसको मुश्किल हो जाएगा। 2 सीटें ज़रूर कांग्रेस जीत जाएगी और बाकी जो सीटें हैं सारी सीटों पे गठबंधन जो स्वीप करेगा। इसलिए जो हमारा जो प्रोजेक्शन है यूपी का 67 से लेकर के 73 सीटें तक सपा बसपा गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए बाजी इनके हाथ में लग रही है। उत्तराखंड में आप देखें तो 5 सीटों में से आपका 3 सीटें 2 से 3 तक एनडीए गठबंधन और 2 से 3 तक ही कांग्रेस गठबंधन, एक सीट जो है बसपा के खाते में भी हरिद्वार की जाती हुई नज़र आ रही है। वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें तो वेस्ट बंगाल भी क्रूशियल स्टेट है उत्तर प्रदेश की तरह से, यहाँ पर भी 42 सीटें हैं। तो 42 सीटों में ये हमेशा यहाँ पर जब से इनको कम्युनिस्ट को इन्होंने यहाँ से हटाया है और इनका प्रभाव बड़ा है टीएमसी का, तो सुश्री ममता बनर्जी यहाँ से लगातार मुख्यमंत्री कई बार से बनी हुई हैं, तो ये फिर से इस बार 34 से लेके और 39 सीटें तक लेती हुई नज़र आ रही हैं। 1 से 3 तक ये गठबंधन जो भाजपा का नया नया बना है ये ले सकता है, और 2 से 5 तक यूपीए के खाते में भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करें अंडमान निकोबार की, तो एक सीट है, एक सीट एनडीए गठबंधन के खाते में नज़र जा रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो एक सीट है ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है।
आप दादरा नगर हवेली की बात करें तो एक सीट एनडीए के गठबंधन में जाती हुई नज़र आ रही है। दमन और दीव की बात करें तो एक सीट है, ये भी एनडीए के गठबंधन में जाती हुई नज़र आ रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो एक सीट है, ये क्षेत्रीय पार्टी या कांग्रेस यूपीए के गठबंधन के साथ रहती है, उसके खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं और बड़ा गठबंधन के लिए रस्साकसी चल रही है। कभी आप और कांग्रेस के बीच में अभी फाइनल नहीं हो पाया कि गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आपके नेताओं ने बोला हुआ है कि गठबंधन नहीं होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसमें भाजपा को 1 से 3 सीटें तक मिल सकती हैं और 4 से 6 सीटें तक जो है आप पार्टी को या आदर्श के लिए जा सकती हैं। आदर्श और आप पार्टी के 4 से 6 सीटें तक जाती हैं और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अब बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में एक सीट है और एक सीट जो है यूपीए गठबंधन के साथ जाती हुई नज़र आ रही है। अब ओवरऑल हम आ जाते हैं पूरे देश भर में क्या सीन रहेगा और कितनी कितनी सीटें किसको आएंगी, ये इस आपके लिए इंतजार होगा। तो हम इसको अगर ऐड अप करते हैं तो इसमें से 543 सीटें पूरे देश भर के अंदर हैं, उसमें से 92 से लेकर के और 138 तक सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं और यूपीए के गठबंधन में 152 से लेकर के 203 सीटें तक जाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें और भी पार्टियां शामिल हैं कांग्रेस के अलावा। और आदर्श की जहां तक बात करें, आदर्श में जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है ऐसी जो पार्टियां हैं उसमें जो है 219 से लेकर के 301 तक सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और ये लग रहा है कि इस बार जो आदर्श वाले हैं यही सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आप देखा होगा कि इसमें जो नाम है इसमें राहुल गांधी का नाम चल रहा है और ममता बनर्जी का नाम चल रहा है और सबसे ऊपर बहन कुमारी मायावती जी का नाम जो उत्तर प्रदेश से 67 से लेकर के 73 सीटों की दावेदार हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो देखिए अगर ये सरकार बनाने के उसमें आते हैं ताकत में तो ये कौन सरकार बनाएगा, ये तो 23 मई के बाद आपको सही सही पता लगेगा। लेकिन ये हमारे स्टेटिस्टिक्स और अनुमानित आंकड़े थे जो हमने आप लोगों को बताए। आशा है कि इसमें ज़्यादा 5% की एरर आएगी, ज़्यादा एरर नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।